प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। पीएम दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के समूह G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कल भी पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की थी और भारत जापान के रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की। वतन से दूर पीएम मोदी जब भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे और जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। वैश्विक मंच पर मोदी 2.0 का जलवा। जापान में मोदी मोदी। जापान में लगे जय श्री राम के जयकारे। मोदी की डिप्लोमेसी करेगी कमान। अब की बार दुनिया जीतने को तैयार। भारत की राजधानी दिल्ली से 5800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर जापान में मोदी मोदी गूंज रहा है। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 के सम्मेलन में पीएम मोदी बड़ा मिशन लेकर पहुंचे हैं। दुनिया के ताकतवर नेताओं से मुलाकात कर पीएम मोदी भारत की तरक्की का रास्ता साफ करना चाहते हैं। आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर पीएम मोदी ने भारत जापान के रिश्तों को और मजबूती देने की कोशिश की। आपको पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम और G20 सम्मेलन के मायने भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कैसे जापान में पीएम का जलवा दिखा। इतनी बार आया हूं, इतने लोगों से मिला हूं, इतना चीर परिचित सारे चेहरे हैं। मैंने कहा आज मुझे क्यों ले जाओ, कौन आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पहले से आपका उत्साह बढ़ ही रहा है। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वतन से दूर जापान के कोवे में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो हिंदुस्तान की किसी रैली जैसा नजारा दिखा। पीएम को सुनने आए भारतीयों में जबरदस्त उत्साह था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चुनावी जीत का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने मुझ पर पहले से भी ज्यादा भरोसा जताया। शिंजो आबेशान का चुनाव नतीजे आ चुके थे और आप सभी ने उन पर विश्वास जताया था, और आज जब मैं आपके बीच हूं तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने इस प्रधान सेवक पर पहले से भी ज्यादा अधिक विश्वास अधिक प्यार जताया है। मुझे पता है कि आप में से भी अनेक साथियों का इस जनमत में योगदान रहा है। पीएम मोदी ने जापान के दिल को छूने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान को उसमें एक अहम स्थान है। ये रिश्ते आज के नहीं है बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। गांधी जी की एक सीख बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, और वो सीख थी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो।
भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भांति जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिन तीन बंदरों को इस संदेश के लिए बापू ने चुना, उनका जन्मदाता 17वीं सदी का जापान है, 17th सेंचुरी का जापान है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, टैलेंट से राष्ट्र निर्माण की बात कही और अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन का भी जिक्र किया। मून मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाले, साल 2022 तक अपना पहला मैन मिशन गगनयान भेजने की तैयारी में हम हैं, और कोई हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा वहां फहराए ये सपना लेकर के काम कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री से न्यू इंडिया के विजन की बात सुन जापान में बसे भारतीयों का जोश भी हाई हो गया। पीएम जब जाने लगे तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे, उसके बाद जापान में जय श्री राम के जयकारे भी सुनाई दिए। पश्चिम उत्तर